बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? आज जनाब मैंने अपना वेट चेक किया है, जो कि मुझे बहुत खुशी हुई है कि 2 kg मैंने वेट कम कर लिया है। ये स्केल मेरे पास, वेट स्केल जो है बहुत पुराना है, तो तकरीबन 20 साल हो गए इसको। अब मैं डिजिटल स्केल लूँगी तो इंशाल्लाह फिर क्लियर नज़र आया करेगा। पहले मेरा वेट 85 था तो अब 83 हो गया है। तो अच्छा चलें जी, आज की मैं डाइट प्लान आपके साथ शेयर करती हूँ। आज जनाब मैंने रात को ही बना लिया था डिटॉक्स वाटर, जिसमें मैंने एक डाला है मौसमी और साथ में मैंने पुदीना डाला है, थोड़ा सा जिंजर डाला है और इसको मैंने ढाँप के रख दिया। 2 लीटर वाटर है और इसमें मैंने ये डाला है, तो इसको मैं ढाँप के रख दूंगी और सुबह मैं मॉर्निंग में ही इसको कंज्यूम करना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग ड्रिंक जो है पीने को दिल नहीं चाह रहा होता, तो उससे पहले पानी पीने को दिल चाह रहा होता है, तो फिर मैं इसी उसी वक्त डिटॉक्स वाटर शुरू कर लेती हूँ। और इसमें जनाब मैंने थोड़ी सी डाली है हल्दी और मैंने अदरक का इसमें थोड़ा सा जूस ऐड किया था, अदरक को नहीं ऐसा मैंने किया। आज मॉर्निंग ड्रिंक में मैंने तेज़पत्ता की मॉर्निंग ड्रिंक ली है, इसमें मैंने 1.5 कप पानी डाला है और इसको मैंने इतना पकाया है तकरीबन जो 1.25 कप रह गया है, तो फिर मैंने इसको उतार दिया है। तो इसमें सिर्फ मैंने ये तेज़पत्ता ही डाला है और बिल्कुल भी नाश्ता करने को दिल नहीं था, तो फिर मैंने जो सोचा कि आज क्या नाश्ता करना चाहिए, फिर मैंने फैट एंड फैब की मुख्तलिफ वीडियोज़ देखी नाश्ते की और फिर एक नाश्ता सेलेक्ट किया। आइए चलते हैं, देखते हैं मैंने आज कौन सा नाश्ता किया है। जी तो आप देख रहे होंगे मैंने अपना डिटॉक्स वाटर जो है वो पीना शुरू कर दिया है। तो ये ऑरेंज का जो डिटॉक्स वाटर है जो मैं ले रही हूँ, इसमें मुझे जो फील हो रहा है कि जैसे मुझे डिकारे ज़्यादा आ रही हैं। अभी मैंने नाश्ता नहीं किया और मैं इसका तकरीबन 1 मग पी लिया है, नियर टू 1 लीटर। और आज मैं जैनब को छोड़ने गई थी छोटी बेटी को स्कूल, तो वापसी पे फिर मैं जो का दलिया बारले में ले आई हूँ एक, तो ये इंस्टेंट है। आज कुछ खाने को वैसे दिल नहीं चाह रहा था, हालांकि रात को मैंने सूप लिया था, टोमेटो सूप लिया था। तो इसमें इसकी प्राइस क्या है जी? इसकी प्राइस है 170 और ये मैंने एक मल्टी सीट बन लिया है जो के है जनाब, इसमें तकरीबन 134 कैलोरीज हैं। और एक मैंने लिया है ये 100 का आया है, मल्टीग्रेन जो है बन ये 100 का आया है और ये फुल ऑफ फाइबर, ये होल ग्रेन एंड फुल ऑफ फाइबर भी आप इसको कह सकते हैं बन, ये जनाब आया है 60 का और इसमें 140 कैलोरीज हैं और उसमें जनाब 134। और अब मैं आज मैं बन का नाश्ता करने लगी हूँ। मैं फैट टू फैब को फॉलो कर रही हूँ, तो जो फैट टू फैब का जो है ब्रेकफास्ट ब्रेड का, उसमें 2 स्लाइसेस हैं और आई थिंक मैं जो इसको हाफ लेना चाहिए। कॉर्नर जो है वो मैंने अपने लिए मखसूस कर लिया है, यहाँ पे मैं अपनी चीज़ें रख लेती हूँ। बच्चों को भी पता है कि ये मामा की चीज़ें हैं और मुझे भी जो है ना लेने में इजी हो जाता है। इसमें ज़ाफ़रान है, इसमें जो सीड्स वगैरह हैं, अजवाइन वगैरह है और इसको मैं इधर रख देती हूँ। अच्छा जी, ऐसा है कि हमें डाइट के साथ साथ जो मुझे फील होता है कि हमें मल्टी वाइटामिन्स भी लेने चाहिए। वैसे भी डॉक्टर आफ्टर 30 मल्टी वाइटामिन्स देते हैं। ये एक पैन पे थोड़ा सा घी लगाना है, बस ग्रीस करना है इसको, ज़्यादा नहीं मैंने लगाया। और इसमें जनाब मैंने इसको, चूंकि मैंने इसके साथ सिर्फ टी लेनी है, इस वजह से मैंने इसको हल्का सा नमक और हल्की सी काली मिर्च जो है वो स्प्रिंकल कर दी है। इस तरह से आप टी के साथ इजीली ले सकते हैं, क्योंकि टी जो है उसमें भी हमने चीनी नहीं डाली ना, तो फिर सारी चीज़ें बिल्कुल फीकी और बदमज़ा सी अच्छी नहीं लगती। चलें जी, एक यम्मी सा हमारा नाश्ता बन गया है, इजी भी है और डाइट भी है। और जनाब इसके साथ मैंने डिटॉक्स वाटर भी अपना रखा हुआ है, मैं जहाँ पे भी जाती हूँ मेरा मग मेरे साथ साथ जा रहा होता है डिटॉक्स वाटर का। डिटॉक्स वाटर बहुत अच्छा है और साथ में मैं अखबार पढ़ रही हूँ और जिसमें कोई भी गैर सियासी बात नहीं है। तो चले जी, आए अब हम बनाने लगे हैं
बेसन चीला दोपहर के लिए, लंच में हाफ कप बेसन में मैंने प्याज और सब्ज़ धनिया और थोड़ी सी अगर आप चाहें तो पालक भी डाल सकते हैं इसमें, हाँ तो जी, आप इसको तो डालिए। अब और हमने साथ इसमें क्या में डालना कुछ है? जीरा जीरा और धनिया ये पाउडर तो है, और जीरा नमक, और काली मिर्च कुछ धनिया और का थोड़ी पाउडर सी है, हल्दी भी अगर आप ये डालना चाहें भी तो डाल लें, वही मैंने काली नहीं मिर्च डाली है और क्योंकि नमक डिटॉक्स है, वाटर में हल्दी थोड़ी सी ऑलरेडी है, डालेंगे फिर ज़्यादा इसमें। हल्दी लेने से जो है आपका ये आप स्टमक जो अपने टेस्ट अपसेट के हो सकता अकॉर्डिंग है डाल यानी गर्म सकते हो हैं। सकता है। फिर जनाब ये तो मेरी जनाब मैंने ये रेसिपी डाला है है और साथ में इसके कि थोड़े आप से रोस्ट इलसी के करके बीज ऐड और करने इसको लगी पीस हूँ। के भी डाल इलसी के सकते बीज हैं जिन लोगों और को मैं इसको ऐसे कच्चे नहीं फ्रॉय सूट करते तो डालूंगी इस तरह किसी डाइट इसमें, में भी यानी खाने ठीक में है। बना के और डाल सकते अफाइन, हैं, आई किसी भी लव मील में ले अफाइन। सकते हैं, और ज़्यादा आप अच्छा है कि अगर अगर आप सादी दोपहर रोटी में खा ले रहे लें या हैं तो नाश्ते में ले लें, अफाइन डाल लें, लेकिन मैं उसको भी मुझे ये आपको तो ब्रेड बटर अनरोस्टेड नहीं और मिलती, वैसे भी ओमेगा अच्छे लगते होगा। हैं, और थोड़ी सी एंड मैं इसमें अजवाइन सेकेंडली, डाल अगर लूँगी आप क्योंकि अजवाइन अजवाइन के का टेस्ट साथ मुझे लहसुन बहुत भी ज़्यादा डाल रहे पसंद हैं है तो और जो रोटी पेट में के भी लिए भी इसको बहुत स्वाद अच्छी हो होती है। जाएगा। तो जी इसको हमने थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है और इतना ही लिक्विड बनाना है जितना जो हमारा यानी पकौड़ों की तरह कर लें या पकौड़ों से थोड़ा सा ज़्यादा लिक्विड ही हो क्योंकि हमने इसकी रोटी बनानी है। ये प्याज और जो है सब्ज़ धनिया वगैरह जो बहुत बड़ा बड़ा है मैं इसको थोड़ा सा ग्राइंड कर दूँगी, पहले मैं इसको बना लेती हूँ। तो फिर जनाब पैन को अच्छे से गर्म कर दें विदाउट जो ऑयल में बनाने लगी हूँ, और इसमें इसको पहले थोड़ा सा बटर डालें फिर उसको थोड़ा सा फैला लें, और ज़्यादा बेहतर है कि आप ज़्यादा बारीक बना लें और बहुत ज़्यादा बारीक भी ना हो कि ऐसे ना हो कि रोटी उतरे ही ना। और जिन लोगों के तवे हैं यानी उनके पास नॉन स्टिक नहीं है तो वो क्या करें, पहले तवे को खूब गर्म कर लें फिर उसके बाद थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा पानी ऊपर डालें और उसके वो रुमाल से या किसी भी कपड़े से साफ़ कर लें, फिर उसके बाद थोड़ा सा ऑयल और पानी का मिक्सचर जो है उसको अच्छे तरीके से उसके ऊपर किसी कपड़े की मदद से रगड़ें तो इंशाल्लाह वो नॉन स्टिक हो जाएगा, और इस फिर मीडियम गर्म हो तो फिर उसके ऊपर डालें और थोड़ा सा टाइम दें, ज़्यादा कच्चा होगा तो अगर फिर आप चेंज करना चाहेंगे तो फिर चाहे नॉन स्टिक हो चाहे दूसरा तो तो आपका जो चलेगी है जी, आज मसला का बनेगा। हमारा लंच तो जी है जनाब ये बेसन के और चिल्ले हैं जो कि तीन मैं इंशाल्लाह एक कंज्यूम करूंगी, साथ चिली मैंने एक चटनी मैंने कुकुम्बर बनाई लिया है, है ग्रीन इसमें, चटनी बनाई है चिली जो भी बता कि देती हूँ, लहसुन लहसुन अदरक अदरक और है थोड़ी सी और सब्ज धनिया मिर्च है साथ धनिया में, पुदीना, इसमें और थोड़ा सा साथ में मैंने मैंने हाफ आधा मटर टमाटर डाला डालकर है विदाउट बीज के चिली बगैर कच्ची का, तो इसको बनाया है। और साथ इसके में साथ आमले का ही अचार आंवले का लिया है अचार जो कि है जो मैंने मैंने खुद खुद घर में बनाया बनाया है, है, वो इसमें थोड़ा सा मैंने डिलीशियस है। मसाला ज़्यादा डाला और हुआ है सर्दियों का क्योंकि पहला इसमें अचार बनाया कलवंजी है तो और मसाला ज़्यादा मेथी दाना वगैरह डालूंगी, है जो कि दाना सेहत के लिए कलौंजी बहुत वगैरह अच्छा बहुत होता अच्छी है। होती है हेल्थ के आप लोग लिए। भी बनाएं आंवले और का ऐसा बना अचार, हुआ आजकल जो सीजन है आंवले का आमले अचार का, है और जी, ये याद यमी करवा सा दो भैया हमारा का, जनाब आज कोई का सूरत है में मसाला लंच। ना। मैंने डिटॉक्स वाटर में नहीं ऐड किया था एप्पल साइडर विनेगर, तो आज मैंने जनाब इसका फैट कटर ड्रिंक बनाया है जिसमें मैंने डाला है एक कप पानी, उसको नीम गर्म सा कर लिया है, इसमें मैंने 1 पिंच इसमें मैं डाली है जनाब दालचीनी, और फिर इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच या तो आप डालें बड़े चम्मच सम्राज, ये नहीं है कि आप जो डोंगे वाला चम्मच होता है वो, तो या फिर जो है 1.5 चम्मच इसमें से छोटे वाला डाल दें, और ये थोड़ा सा ज़्यादा गर्म है इसको रख दें जब तक के रूम टेम्परेचर पे या फिर जो थोड़ा सा लुक वार्म हो तो फिर आप इसको ले लें, क्योंकि ज़्यादा गर्म लेंगे तो आपका पेट गर्म हो जाएगा बहुत ज़्यादा, आपको जो बीपी पेशेंट हैं उनका बीपी भी हाई हो सकता है, जो बीपी पेशेंट है वो कोई भी ड्रिंक हो तो उसको तकरीबन रूम टेम्परेचर पे लिया करें, मुझे खुद बीपी हो जाता है हाई समटाइम तो मैं कभी भी गर्म नहीं लेती ना ग्रीन टी ना ही कोई ऐसा ड्रिंक। अब जनाब मैं अपने लिए डिनर बनाने लगी हूँ और डिनर में मुझे भूख बिल्कुल भी नहीं थी इस वजह से मैंने, तो डिनर में मैं लूँगी जनाब 1 कप दूध, और मैं इसको हल्दी दूध बनाने लगी हूँ क्योंकि कोई इसकी मील स्किप नहीं करना, तो इसमें 1 कप दूध लूँगी, इसको मैं गर्म करके 1 पिंच मैंने डाल देनी है हल्दी और उसको एक जोश दे के तो फिर नॉर्मल टेम्परेचर पे जब आएगा तो मैं इसको ले लूँगी। और जनाब फिर इसके बाद मैंने कोई भी किसी किस्म का ड्रिंक नहीं लिया यानी आज नाइट ड्रिंक नहीं लिया, नाइट ड्रिंक की जगह पे बस मैंने यही लिया है दूध क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो जाना था, हल्दी भी बताते खुद गर्म है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।